नौ रत्नों से बढ़कर किताब वह अनमोल रत्न है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक और किताब के साथ जिसका नाम है कथक नृत्य शिक्षा भाग दो, जिसके लेखक हैं डॉक्टर पुरुदा दीज। पिछली वीडियो में हमने कथक नृत्य शिक्षा के पार्ट वन के बारे में बात की थी और अब मैं लेकर आई हूँ कथक नृत्य शिक्षा का पार्ट टू। इस किताब में भारतीय नृत्य कला का इतिहास बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया गया है। इसमें भारतीय नृत्य कला को हर काल के हिसाब से डिवाइड किया गया है, जैसे रामायण काल, महाभारत काल, जैन और बुद्ध धर्म काल, राजपूत काल, मतलब जिस समय रामायण थी उस समय हमारे नृत्य कला की क्या स्थिति थी, लोग करते थे, घर तक सीमित था या बाहर था, महाभारत काल में क्या स्थिति थी, तो इसी तरह से हर काल के बारे में बताया है। इस्लामी सत्ता के प्रवेश काल में भी नृत्य की क्या स्थिति थी, यूरोपियन सभ्यता के प्रवेश काल में नृत्य कैसा था, स्वतंत्र भारत में नृत्य कला कहाँ तक पहुँचा था, कितना उसका डेवलपमेंट था, कितना विकास हुआ था, तो इस पूरे सेक्शन में यही बताया गया है कि हमारे भारतीय नृत्य कला का क्या इतिहास था। इसके बाद इन्होंने एक टॉपिक लिया है, दूसरा चैप्टर इनका है नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण। नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी बच्चे कथक डांस सीख रहे हैं, कि इसमें पता चलता है कि नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण से कि हमारे जो नृत्य कला है या जो कथक नृत्य है वो कैसे, कहाँ से, कितना डेवलप हुआ, हमारी इस पृथ्वी पर, धरती पर पहुँचते पहुँचते वो कहाँ कहाँ से आया। तो अगर आप एक बार नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण को पढ़ेंगे तो बहुत ही नॉलेज आपको मिलेगी। इसके बाद पारंपरिक जो हमारे नृत्य हैं, यक्षगान, रामलीला और नौटंकी, तो वो सभी हमारे पारंपरिक नृत्यों के बारे में इसमें बहुत ही डिटेल में बताया गया है। रामलीला और नौटंकी तो हमने उत्तर भारत में और बहुत आगे भी बहुत सारे हमारे प्रदेश हैं जिसमें हमने देखी और सुनी है, लेकिन यक्षगान हम लोग कम ही सुनने में आता है, तो ये केरल का बहुत ही पारंपरिक नृत्य है। अब इसमें आगे टॉपिक है आधुनिक नृत्य, तो नृत्य नाटिका में इन्होंने पूरा डिटेल में बताया है कि आधुनिक नृत्य जो हमारे भारत का बहुत ही डेवलप नृत्य है, जो कि जिसमें डांस और म्यूजिक के साथ अभिनय यानी कि एक्टिंग भी जोड़ी जाती है, वो हमारा नृत्य नाटिका कहलाती है। तो हाँ, इस किताब में नृत्य नाटिका के बारे में आधुनिक नृत्य के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें अच्छी बताई हैं जिससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। अब बात करते हैं पाश्चात्य नृत्य कला। पाश्चात्य नृत्य कला में बालरूम, बैले और ओपेरा डांस, इन तीन डांसों के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि अगर हम अपने भारत के आधुनिक नृत्य और पारंपरिक नृत्यों के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो पाश्चात्य नृत्य कला यानी विदेशी नृत्य कला क्या होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। अब इसमें बात करते हैं कथक नृत्य का विकास। कथक नृत्य का विकास यानी डेवलपमेंट कैसे हुआ, जो हमारे इतिहास था, इतिहास से लेकर और आज का जो कथक नृत्य है बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही चेंजेस आ चुके हैं, तो वो विकास हमारे कथक नृत्य में कैसे हुआ, इस सब की पूरी जानकारी आपको इस टॉपिक में मिलेगी। अब आ रहा है नवाब वाजिद अली शाह और कथक नृत्य का अनूठा आश्रयदाता राजा चक्रधर सिंह। तो नवाब वाजिद अली शाह हमारे कथक नृत्य के लिए बहुत ही मददगार साबित हुए। जिस समय पर इस्लामी हमारी जो सत्ता हमारे भारत में प्रवेश हुई थी या जिस समय ब्रिटिशियस हमारे भारत में आए थे उस समय हमारा कथक नृत्य बिल्कुल एक तरह से विलुप्त ही हो गया था, तो नवाब वाजिद अली शाह ने उस कथक नृत्य को बचाने के लिए बहुत मेहनत की और बहुत ही अच्छे मददगार साबित हुए। अब बात करते हैं राजा चक्रधर सिंह की, जो कि हमारे कथक नृत्य के लिए बहुत ही आश्रयदाता रहे, यानी जैसे ही धीरे धीरे ये विलुप्त हो रहा था हमारा कथक नृत्य, तो राजा चक्रधर सिंह जी जो खुद एक बहुत ही अच्छे कथक नृत्यकार थे उन्होंने इस नृत्य को आगे बढ़ाया, अपने खानदानी लोगों को भी सिखाया और अपने इतने अच्छे अच्छे उन्होंने शागिर्द तैयार किए, शिष्य तैयार किए जो इस नृत्य कला को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं, और राजा चक्रधर सिंह ने इस नृत्य कला को उस मुकाम पर पहुँचाया जो कि आज एक रायगढ़ घराने नाम से जाना जाता है। राजा चक्रधर सिंह जी के नाम से ये घराना जाना जाता है जिसका नाम है रायगढ़ घराना। अभी तक हम सिर्फ तीन घरानों के बारे में जानते थे, लखनऊ, जयपुर और बनारस, लेकिन अब एक चौथा घराना भी है जो बहुत ही ऊंचाइयां धीरे धीरे ले रहा है जिसका नाम है रायगढ़ घराना, तो इसके बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी इस किताब में मिल जाएगी। अब नायक नायिका भेद, नायक नायिका भेद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कथक सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए।
जो कि नायक नायिका भेद में बहुत सारे, अब जैसे राधा का जो पार्ट है वो नायिका पार्ट है और जो कृष्ण का है वो नायक पार्ट है, तो नायक नायिका पार्ट के जो भेद हैं, जो बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं जो इस किताब में बहुत ही डीपली समझाई गई हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और नॉलेज भी मिलेगी। अब एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताल प्रकरण। इसमें एक आता है टॉपिक ताल के 10 प्राण। ताल के 10 प्राण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगी। और जो भी टॉपिक ऐसे हैं जो मुश्किल हैं, जो समझ आने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत इजीली वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस किताब में नृत्य के उपकरण, अब नृत्य के उपकरण एक टॉपिक लिया गया है जिसमें बताया गया है कि डांस करने के साथ साथ हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हमारे घुंघरू होते हैं, घुंघरू की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो नृत्य के उपकरण क्या क्या है इसके बारे में बताया है। अब नृत्य प्रदर्शन की सफलता के साधन, यानी अगर आप नृत्य प्रदर्शन कर रहे हैं या कोई स्टेज शो कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो सक्सेस हो, सफल हो, उसके लिए हमें क्या क्या साधन चाहिए वो इसके बारे में बताया है। तो अगर आप कथक डांस के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप डांस सीख रहे हैं और मंच प्रदर्शन कर रहे हैं, या आप करते आ रहे हैं, या धीरे धीरे एक या दो स्टेज परफॉर्मेंस कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो उसमें, उसके बारे में भी इसमें बहुत अच्छे से डिटेल से बताया गया है। तो अगर हम बात करें इस पूरी बुक के बारे में, तो ये बुक बहुत ही मददगार साबित होगी, बहुत ही अच्छी है कथक स्टूडेंट्स के लिए, और इस बुक से हमें बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलेंगी जो कुछ पिछली बुक्स में हमारे पास नहीं थी। तो इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हमें अभी तक नहीं थी, वो अभी इस किताब से हमें मिल रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको खरीद सकते हैं। और अगर इस बुक को नहीं खरीद पाए आप लोग, किसी भी वजह से अवेलेबल ना हो पाए आप लोगों को, तो अभी तक जितने भी किताब के बारे में मैंने ब्रीफ में आपको नॉलेज दी अपनी वीडियोस में, आगे आने वाले टाइम में मैं इन बुक्स के एक एक टॉपिक के बारे में एक एक वीडियो, जैसे 2 टॉपिक एक वीडियो में, अगर कोई टॉपिक बड़ा है तो वो 1 टॉपिक एक वीडियो में, इस तरह से मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊँगी। तो आप मेरे वीडियोज़ देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको कथक डांस के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और ख़ासकर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर ही करना है, जिससे आपको नॉलेज अच्छी से अच्छी मिल पाए। अगली वीडियो में मैं और एक अच्छी किताब के साथ आपके पास आऊँगी, आपसे बात करूँगी, और आपसे एक और मेरा एक और टॉपिक पे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख कर भेज सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका आंसर आपको दूंगी। अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें और पढ़ते रहें डॉक्टर पुरु दादीज की कथक नृत्य शिक्षा भाग 2। थैंक यू, मैं बुक ट्यूबर पूनम शर्मा।